मदारिक तंजील व हकायक तावील, मदारिक तंजील व हकायक तावील, जिसको तफसीर मदारिक कहते हैं। ये अबुल बरकात अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न महमूद अन्नसफी साहिब कंज, अबुल बरकात अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद अहमद इब्न महमूद अन्नसफी अलमुतवफ़ा 701 हिजरी, बहुत उम्दा इबारात है इसकी, इल्मुल बदी और इल्मुल इशारात से लबरेज है। इस किताब के मुताल्लिक कहते हैं कि वह हालिन अन अबातील अहले बिदाया वल फलसफा, ये तफसीर खाली है बिदतियों के अकवाल से और फलासफा के फजूलियात से। मदारिक अरसे दराज तक दारुलूम देवबंद में जलालैन की तरह पढ़ाई जाती थी। मेरी भी ख्वाहिश व आरजू है कि अहसनुल उलूम के अंदर तफसीर मदारिक दर्स में हो, लेकिन ऐसा बाज़ोक मुदर्रिस मिलता नहीं है और सब काम मुझे खुद करना पड़ता है और मुझ में अब वो हिम्मत रही नहीं। उमरेस के आवाज मंसूर कोहन शुद मन असर नो जलव दहम दाद रसंदा, उमरेस के आवाज मंसूर कोहन शुद, जमाने गुजर गए, वो शबाब वो हयात वो कैफियत अब कहाँ है, दिल में अब ताकत कहाँ खून ना ब अफशानी करे, वरना गम वो जहर है पत्थर को जो पानी करे। बस अब तो आपके साथ मिल बैठ के कुछ गुजारा होता है बस। अल्लाह जवान साला मजबूत तालिबे इल्म बेहतरीन बाहिम्मत जो मेरी हिदायत पर चले वो तैयार हो जाए, आ जाए मैदान में, इसको इसी साल मुकर्रर करता। कोई जरूरी नहीं कि इसी साल मदारिक पढ़ाए, नहीं आप मुताले करें, दो तीन साल बाद रख लेते, हमें किसी से काम लेते हुए उसको दबाना नहीं है, उसको चलाना है। अल्लाह। अच्छा जी, अहकामुल कुरान ले अबी बकर अल जस्सास अल राजी अल हनफी, ये मुतवफ़ा 310 में, बहुत अच्छी किताब है अहकाम पर। ये अबुल हसन करखी का खास शागिर्द है।